अगर आप बहुत कम समय में एक बेहतर लीडर बनना चाहते हैं तो राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत इंसाइटफुल और वैल्यूएबल क्लिप्स लाते हैं आपके लिए। ओके, लेट्स टॉक अबाउट यू अ बिट। आई वांट टू नो अबाउट यू। ठीक है, गेटिंग इनटू वार्टन इज नॉट इजी, इट इज द थिंग, राइट? कितने साल का एमबीए होता है वार्टन? वार्टन का एमबीए 2 साल का होता है। कितने पैसे लगते हैं, व्हाट इज द ट्यूशन? अराउंड $100,000 पर ईयर, व्हिच इज $80,000 पर ईयर, बट 1.6 करोड़ इज 2 years का ट्यूशन फी 2 साल के एमबीए में, और बाकी साइड में कितना खर्चा होता है? नहीं, वो सब काइंड ऑफ सब मिला के 2 करोड़ होगा, बट बहुत लोन्स मिलते हैं, बहुत स्पॉन्सरशिप्स और स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, तो वो सब 99% जो जाते हैं सब लोन पे ही जाते हैं। ये नहीं कि उनके बैंक में 2 करोड़ पड़ा हुआ रहता है, तो वो यूजुअली आप जो भी पैसा देते हो फॉर अ टॉप कॉलेज, मैं हर एक कॉलेज का नहीं बात कर रहा हूँ, तो आई डोंट वांट एनी स्टूडेंट टू गो टू 20th रैंक कॉलेज बेस्ड ऑन माय एडवाइस एंड देन रिग्रेट इट, बिकॉज दैट्स अ बिग थिंग व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ, दैट यू नो पीपल आर गोइंग टू वेरियस कॉलेजेस टेकिंग बिग लोन्स एंड देन दे आर नॉट एबल टू रीपे इट एंड देन दे रिग्रेट इट, सो आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट एट ऑल। बट जो थोड़े टॉप यू नो द हायर रैंक कॉलेज में काफ़ी आपको लोन मिल जाती है जो आप यूज़ करके अप्लाई करते हो, और जो आपको कॉलेज ही दे देती है स्कॉलरशिप और वो सब, और वो द मिनट यू ग्रेजुएट जो आपको कॉलेज के बाद जो जॉब मिलती है वो काफ़ी यूजुअली हाई पेइंग होती है, तो आपका जो लोन है वो प्रॉबेबली आप 1-2 साल में आप पे ऑफ कर सकते हो। तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि 2 करोड़ लोन लिया फॉर 2 करोड़ MBA 2 साल के लिए, फिर जब उधर 2 साल बाद निकलते हो तो किस फर्स्ट जॉब कितने की होती है एवरेज? एवरेज अराउंड 200K, तो अराउंड 1.6 CR, तो 1.5 करोड़ के जॉब मिनिमम ऑन एन एवरेज, मतलब ऑन एवरेज आपको मिल सकती जाती है। और हाँ, तो उससे आप वो पे ऑफ सबसे बेकार हो। सबसे एकदम सबसे लोएस्ट लेवल की जॉब कितनी में? 70-80 लाख तो मिनिमम मिल ही जाते हैं लोगों को। हाँ, एमबीए के बाद तो 100%, अंडरग्रेड के बाद भी, एमबीए के बाद 70-80 लाख की मिल जाती है वार्टन के। और सबसे एक्सपेंसिव अगर टॉप हायर्स हुए तो कॉलेज का क्या? मेबी $400K, व्हिच इज अराउंड 3.2 CR। आई मीन दैट इज क्या यू कैन गेट। तो टेक्निकली मतलब अगर तुम अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे कॉलेज में जाते हो वार्टन जैसे, तो तुम 1-1.5 साल में लोन खत्म कर सकते हो पूरा। हाँ हाँ, आराम से, अगर आप वो कॉलेज में जाते हो। और थोड़े बहुत टेक्निकलिटीज होते हैं कि आपको 1-3 साल का H1B वीज़ा मिलता है, वो आपको वीज़ा का लॉटरी में लगा नहीं लगा, लेकिन यूजुअली 3 साल का वीज़ा होता है, उस टाइम एक्सटेंशन वो सब कुछ टेक्निकलिटी होती है जिसमें आपको 3 साल का मिलता है, तो 3 साल इज़ इनफ। एंड अगर आपका नहीं भी वीज़ा लगा तो आपको इंडिया में जॉब मिलेगा, और आजकल जितना मैं सुना हूँ कि इंडिया की सैलरीज भी US से कंपैरिजन नहीं बट इन जनरल काफ़ी हाई हो गए हैं। तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि जब जो इंडिया अगर वापस आ जाते हैं 2 करोड़ का MBA करने का, तो इंडिया में उनकी कितने की जॉब लग जाती है? वो मैं ऑनेस्टली श्योर नहीं हूँ, बट स्टिल इफ यू हैव हर्ड 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 70 लाख, 80 लाख, क्या डिपेंडिंग ऑन अब इमीडिएटली वापस आ रहे हो? मतलब इमीडिएटली, मतलब मेरा वार्डन हुआ, मैं वापस इन 2 साल में अमेरिका गया पढ़ने के लिए, टॉप कॉलेज से पढ़ा और वापस आ गया, 2 करोड़ खर्चा करके आया हूँ। मैं श्योर नहीं हूँ, बट अराउंड आई थिंक 40 to 50 lakhs आपको मिल सकती है। तो अगर मैं इंडिया वापस आता हूँ तो मुझे 5-6 साल तो बेस लेवल पर जाएगा, मतलब क्योंकि मुझे बाकी खर्चा भी करना होगा, तो मुझे 7-8 साल लग जाएंगे मेरा पूरा हटाने के लिए। जितना मैं जानता हूँ दैट्स प्रोबेबली ट्रू कि आपको उतना टाइम लग जाएगा, 7-8 साल मुझे लोन रीपे करने लग जाएगा अगर मैं अमेरिका जाके, अमेरिका में जॉब नहीं लगती मेरी तो। हाँ, बट जो मैं पहले डिस्कस कर रहे थे 1.5 CR, ये वो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि US में कॉस्ट भी ज़्यादा है, मतलब आपका रेंटल इनकम ही आपका $3,000-4,000 पर मंथ लग सकता है, टैक्स भी 30-40%, वहाँ भी 3-4 साल लगेंगे रिकवर कर रीपे करने में लोन, और इंडिया में 8 साल लगेंगे, तो डबल हो जाता है इंडिया। हाँ, 100% इंडिया में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब सिग्निफिकेंटली मोर टाइम। ओके, and what was your first salary when you moved out of college? Undergrad or undergrad NYU ke baad? It was around $60,000, which is 50 lakhs. Abhi ke time mein 50 lakhs us samay ke zamane mein I think dollar was not as high. Haan, to kharcha bhi to kam hoga, matlab haan haan haan, 50 technique टेक्निकलिटी, आज के लोग, आज का 50 लाख आज के 50 लाख की वैल्यू के हिसाब से होगा, उस दिन का 30 लाख। बट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 50,000 lakhs मिल रहा है लेकिन वो डॉलर में मिल रहा है, तो परचेजिंग पावर पैरिटी वो सब करके आपको वो डिवाइड बाय 3 या जो भी करना चाहिए, व्हिच इज आल्सो अ लॉट ऑफ मनी। या सो लेट्स टॉक अबाउट वार्टन। वार्टन की फर्स्ट सैलरी कितनी थी वार्टन के बाद?
the base in all was around 180k, but bonus ye wo kare 200k. हाँ, तो 1.6 करोड़, तो 2 करोड़ का एमबीए करने के बाद 1.1 करोड़ 60 लाख की सैलरी की जॉब लग गई. दैट वाज अ फर्स्ट जॉब. एंड हाँ, एंड उसके बाद इस पे लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह साल भर का कितना हो जाता था? 1 करोड़ खर्चा हो जाता है उसमें, कि ज़्यादा कि कम? आई थिंक कम लगता है आपको, डिपेंड करते हो आपको वन बेडरूम में रहना है, स्टूडियो में रहना है, अच्छी लाइफ रहनी है नॉर्मल जैसे आप रहते हो. आप 1.5 करोड़ अगर आपकी सैलरी है तो आप 1.5 करोड़ जैसा रहोगे भी तो सही. आपका रेंट लग जाएगा 60, 50k, 40k, -50k, 90k. खाने, ट्रैवल, ये वो 30-40k और हटा दो तो 50-60k आपका बचा है. मतलब 40 लाख, 1.60 करोड़ में से तुम 40 लाख बचा लेते हो. मैं थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करने का बता दिया. हाँ, मतलब मोटा मोटा अगर आपके जैसी लाइफ जीनी है, रिवन जैसी लाइफ जीनी है लोगों को तो नहीं. बट मैं जो भी अभी कर रहा हूँ ना, मैं अभी तक एक भी ब्रांड को प्रमोट नहीं किया हूँ. मुझे हर एक ऑफर आते रहते हैं प्रमोट करने के लिए, मैं एक भी ब्रांड को प्रमोट नहीं किया. बट जो भी मैं किया हूँ वो सेविंग्स ही जो है ना, ये जो मैं MBA में कमाया हूँ वो सब का सेविंग्स ही यूज़ करके अभी मैं कर रहा हूँ. तो इट इज़ वेरी गुड दैट यू नो इन अर्लियर इन योर लाइफ इफ यू कैन मेक मनी, सो दैट नाउ आई हैव लेसर ऑफ अ फियर. यू नो व्हेन आई एम जस्ट टेकिंग, यू नो मैं बहुत सारे वीडियोज़ में नीचे में ऑल्टरनेटिव डाल देता हूँ कि ये बेटर है प्रोडक्ट आपके लिए, ये ख़राब है, ये बेटर है. तो अभी तक तो एटलीस्ट मैं एक भी ब्रांड को प्रमोट मतलब पैसा नहीं लिया, ऑल्दो मेरे हर दिन ऑफर आते हैं. तो दैट इज़ द पर्क्स ऑफ हैविंग द सेविंग्स एंड मेकिंग दैट मनी, is that you can be slightly more stress-free at least in the beginning. Thank you so much ye clip end tak dekhne ke liye. Aur bhi aisi bahut insightful aur knowledgeable clips dekhni hai to Rajshamani Clips channel ko subscribe kar lo.